वेलकम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो घूम तर का कड़क हो गया चिराग हमको लेके जाने वाला एक ऐसी जगह पे लंच कराने जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही देसी टाइप जगह है। जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट जो कि है मुंबई गुजरात कहाँ तलासरी मुंबई गुजरात हाईवे पे तलासरी के पास हाईवे के ऊपर ही एग्जैक्ट हाईवे पे ऑन टच अच्छा एकदम हाईवे के ऊपर ही है। तो चलो जाते हैं जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। इसका कहना है कि वो ढाबा कम रेस्टोरेंट कम रिसोर्ट जैसा फील आ जाएगा, वहाँ बहुत सारी चीजें देखने के लिए। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं और लेके चलते हैं आपको मुंबई गुजरात हाईवे के ऊपर जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। अब आ गए हम तलासरी से 10 किलोमीटर पे। चिराग का कहना है कि यहाँ काठियावाड़ी खाना बहुत ही जबरदस्त मिलता है। कौन सा एरिया ये? आम्बोली करके एरिया है। तलासरी से 10 किलोमीटर के पहले आम्बोली और इसका नाम है आप देख सकते हैं पीछे जय जलाराम काठियावाड़ी। तो चलो खाते हैं काठियावाड़ी लंच और आपको भी बताते हैं कैसा है जय जलाराम काठियावाड़ी लंच। हाँ ये देख चिराग ये देख मिठाई मिठाई तो देख लेकिन जलसा पड़ गया। हाँ 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 अरे बाप रे एसी हॉल भी है बहुत ही जबरदस्त है। हाँ जी सर अच्छा बैंक्वेट हॉल भी है। अपना ये जो काठियावाड़ी थाली कितने का है सर? 180 रुपये। अच्छा क्या क्या है उसमें? बैंगन भरता लहसुनी आलू सेव टमाटर और मसाला। अच्छा बाजरे का रोटला छास पापड़। ओहो तो हमने मंगा दिए दो काठियावाड़ी थाली जिसके अंदर है बैंगन भरता बाजरी का रोटला सेव टमाटो छास और देखते क्या क्या आता है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पूरा पैक है, अभी दोपहर के 2:30 बजे है और वीकेंड भी नहीं है, सैटरडे संडे भी नहीं। तो चलो करते हैं शुरुआत। चिराग स्वीट में क्या खाएगा? जलेबी। मेरे को नहीं अच्छी लगती। ये देख स्वीट में क्या है? देसी घी जलेबी 600 रुपया किलो। अच्छा चलो मेनू तो दिखा। ये सब है होटल जलाराम काठियावाड़ी ठक्कर। अच्छा ये ठक्कर का है? ठक्कर का है। अच्छा इसकी ब्रांच है दानू तलासरी सूरत और ये कामरेज। ये वाला कौन सी ब्रांच है? ये कामरेज नहीं ये तलासरी है। तलासरी के 10 किलो ये तलासरी है ना? ये बाहर दिखा नहीं तुम्हें? ये तो एसी है बाहर, वो सब खटला बटला भी है। देखा कि नहीं? उधर भी बैठ सकते लेकिन एसी ठीक है। आवाज़ बहुत आता है ना, अपना शूटिंग बराबर नहीं आएगा। हम लोग एसी में जानबूझ के बैठे क्योंकि अगर नॉन एसी में बाहर बैठते हैं ना तो पूरा ट्रक का आवाज़ आते रहेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन वो भी अलग एक्सपीरियंस है। फाफड़ा गाठिया देसी घी जलेबी मेथी गोटा बटाटा वड़ा मिक्स भजी सब पूरा का पूरा काठियावाड़ी। साबूदाना वड़ा आलू पराठा बनाना वड़ा केले का वड़ा है उपमा, ये थोड़ा साउथ इंडियन है। सैंडविचेस भी है, टी एंड कॉफ़ी, अलग अलग टाइप के सूप है, स्टार्टर भी है, पंजाबी है, सब है यार, बहुत ज़बरदस्त है। पापड़ टमाटो सलाद ग्रीन सलाद बटर मिल्क छास पर 1800 रुपये का थाली है ये काठियावाड़ी डिशेज।
इस सब्जी का नाम है स्पेशल वेज जलाराम सब्जी, तो पहली बार सुना। राजा रानी है सब, तो अलग अलग है इसमें सब्जी, वेज बाल्टी भी है, वेज बाल्टी घी, बिरयानी, पुलाव, चाइनीज नूडल्स, मिल्क शेक, ऑरेंज मिल्क शेक। ऑरेंज मिल्क शेक कभी सुना है क्या? कभी नहीं। मिल्क फट नहीं आएगा? आ गया, ये थाली आ गया? नहीं ये थाली अभी आएगा, ये तो खाली हमारा टिकट सेट है। ओहो, तो ये खा लेते फिर। क्या बोल रहा है? दो रोटी ले क्या इसमें हो जाएगा? मतलब ये सबको देते आप? सबको। ये थाली से आपने देखा ये जो आया है ना, इसमें क्या क्या है मैं बताता हूँ। ये आसू है, क्या क्या? स्वीट मैंगो, स्वीट लेमन, और ये छुंदा बोलते हैं छुंदा, ये मेथिया कैरी, और ये लहसुन का अखा, लहसुन का अचार। अच्छा, ये पूरा लहसुन का अचार है? हाँ, ये लहसुन का चटनी, ये कोबी, ये कोबी, ये अपना कांदा नींबू और गुड़। तो फिर इसके साथ खाली भाकरी दे दो। वाह, मजा आ गया। लस्सी पियेंगे अपन, स्पेशल जलाराम लस्सी पियेंगे। वो स्वीट में मेरे को तो लस्सी भी चलेगा। अच्छा, ये थाली मंगाई हमने। वाह, क्लासिक है, बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस तो देखो इसका, क्लासिक है। जय जलाराम, तलासरी ना ये? हाँ, तलासरी हम बोले। स्वीट तो ये बाहर जो है ना वही सब है, ये देशी घी की जय सर एक किलो का रेट है, हम लोग को 100 ग्राम भी मिलेगा। गुलकंद, कलाकंद, पेड़ा, केसर पेड़ा, शुद्ध, हाँ एक किलो का। वाह, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा खाना, ये खिचड़ी, कड़ी, बैंगन भरता, सेव टमाटो, और ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे को तो ये थाली से अच्छा ये जब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अरे रोटला तो जो गरम गरम, तेरा कैसा है खाना? जबरदस्त। ये सेव टमाटो मेरा फेवरेट शॉप है। बैंगन भरता, ऐसा काठियावाड़ी खाना मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। बहुत ज़बरदस्त था, गर्मा गर्म बाजरी का रोटला था, बैंगन भरता था, और सेव टमाटो का सब्जी था, और बहुत सारा तो अचार, पिकल, ऑनियन, और बहुत सारी अलग अलग वेराइटी जो हमने आपको दिखाई। तो डेफिनेटली अगर आप मुंबई से गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो तलासरी के पहले 10 किलोमीटर पर जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त, विल डेफिनेटली रिकमेंड, एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 180 रुपीज़ की यहाँ अनलिमिटेड थाली। अगर आप सैटरडे संडे को आते हैं तो मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट होता है अनलिमिटेड, 150 रुपये, 150 रुपये का अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट होता है, 300 रुपये का लंच और 300 रुपये का डिनर। उसमें बहुत सारी 15 से 20 आइटम की वैरायटी होती है अनलिमिटेड, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और वीकडेज में अगर आते तो बुफे नहीं रहता है, लेकिन इनका अलग अलग मेनू भी बहुत ही क्लासिक और लाजवाब है। बुफे के लिए जैसे हमारा नाश्ते का होता है सवेरे, शनिवार और संडे, उसमें 12 आइटम रहता है, जैसे मेथी गोटा, फाफड़ा, जलेबी और सेव खमन, बटे का वड़ा, बटे अच्छा, का पूरी, मेथी गोटा, थेपला, और चाय, कॉफी, पोहा, ये सब अनलिमिटेड, ये सब अनलिमिटेड 150 रुपीस पर पर्सन। क्या टाइमिंग है ब्रेकफास्ट का? सवेरे हमारा 7:30 बजे बुफे चालू है, 7:30 बजे शनिवार संडे, और दोपहर में 12 बजे तक ये ब्रेकफास्ट का टाइम। और फिर लंच? लंच 12 बजे के बाद चालू हो जाता है, और वो 4 बजे तक। ओहो, मतलब सुबह 7:30 से 11 बजे तक अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट होता है बुफे में, और लंच होता है 11 से 4। अच्छा, तो सैटरडे संडे अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ आलाकार्ड भी चालू होता है और बुफे भी आप ले सकते हैं, और खाना तो जबरदस्त, 10 में से 10, कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छा, मतलब पंजाबी होता है कि काठियावाड़ी? पंजाबी काठियावाड़ी दोनों मिक्स। अच्छा, मिक्स होता है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, जिसको जो, और जैन नॉन जैन दोनों। क्योंकि काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, कम से कम मुझे लगता है इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि कम से कम 500-700 लोग तो एक साथ ही बैठ सकते हैं पूरा। अब हम जाते हैं पीछे के साइड जहाँ उनकी गौशाला, तबेला, और बर्ड्स का जो बर्ड फीडिंग करवाने के लिए उन्होंने मुझे अलाउ किया, तो बर्ड फीडिंग भी हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है।
ये जो जय जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट खाली रेस्टोरेंट नहीं है, रिजॉर्ट जैसा है। यहाँ आप देख पाएंगे ये बर्ड्स का पूरा जू जैसा बना के रखा है, बहुत सारे लव बर्ड्स है। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत बर्ड फीडिंग। चिराग आजा आजा, बहुत मजा आएगा। पहले पहले डर लगता है। अरे ये क्या कर रहा है भाई? ओए अरे इसको हटाओ ये इधर क्यों चढ़ गया मेरे बाल का और ये जबरदस्त बर्ड फीडिंग चल रहा है, एक साथ चार चार पांच पांच बर्ड। अंदर से तो मेरी बहुत फट रही है, लेकिन ठीक है, इन्होंने गारंटी ली है कि आपको कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, ये ऊपर चढ़ रहा है भाई। अगर ये भड़क गया और इसने कान में छप करके ऐसा मार दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वीडियो शूटिंग चालू है भाई। अंदर से तो अच्छा तू नहीं आया। आपका नाम क्या है? आपका नाम जगदीश। आपका नाम जगदीश। आपका नाम जगदीश। नहीं, आपका नाम? मेरा जगदीश। जगदीश, तो ये देखिए ये बर्ड फीडिंग चल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ आते हैं, बड़े ग्रुप में आते हैं, लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो एक बार आप काउंटर पर रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको अगर बर्ड फीडिंग के लिए अलाउ करते हैं। अगर करते रहेंगे तो ये एक्सपीरियंस मिस करने जैसा नहीं है। तो बर्ड फीडिंग का एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त था और अब हम उनको लेके जा रहे हैं जहाँ उनका तबेला है, गाय और भैंस का। गौशाला बोलते हैं, तबेला नहीं बोलते, गौशाला बोलते हैं। तबेला घोड़े का होता है, गाय भैंस का भी तो तबेला ही होता है। तबेला ही होता है, लेकिन गौशाला बोले जरा अच्छा लगता है। हाँ, गौशाला सुनने में अच्छा लगता है। चलो दिखाते हैं आपको गौशाला जय जलाराम काठियावाड़ी ढाबा। ओहो, ये क्या भैंस है कि गाय है? सब ये गाय है, सब गाय है, गौशाला है ना, भैंसशाला नहीं है। अच्छा, गिर गाय कौन सी है? यही है तो, ये गिर है, यही है ना, ये गिर है। यहाँ नर्सरी भी है, गौशाला मतलब तबेला, बर्ड फीडिंग मतलब बर्ड्स वगैरह रखे। काफी शौकीन है ये। सीनियर भी रहेगा? जूनियर सीनियर भी रहेगा। वो वाला पढ़ने वाला नर्सरी नहीं, उगाने वाला नर्सरी। कुत्ते देख, कुत्ते देखते, चलो कुत्ते दिखाते हैं। चिराग आपको दिखाएगा कुत्ता। अभी ये खुला तो नहीं है। बंद है, बंद है। ये तो खतरनाक कुत्ते भाई, छोटे छोटे। ये वाला जो ब्राउन वाला कुत्ता है, ये डेंजर है। अगर ये दिख रहा है आपको तो, वो खुला है, वो कुत्ते भाग गए दो। ये देखो ये कुत्ता, वो वाला लैब्राडोर जैसा दिख रहा है। तेरे को देख के कुत्ता भड़क गया, उसको बोल साले हर कुत्ते के दिन आते। चलो थैंक यू। एक मानना पड़ेगा चिराग, ये जय जलाराम ढाबा का जो मालिक है वो बहुत शौकीन लगता है। शॉप भी है, टॉयलेट है। बहुत मजा आया वो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। लॉकडाउन में हम लोग नहीं बैठे तभी वो बनाया। अच्छा, ये लॉकडाउन में बनाया आपने? और हम लोगों ने खुद ही बनाया था, बनकम बनकम सब बैठे। क्लासिक है। ये सब बर्ड्स कहाँ से लाए? ये एक्जोटिक बर्ड्स है, हमारे एक दोस्त है आपके बॉम्बे रहता है, तो उन्होंने हमको सप्लाई किया। लेकिन ये शौक से किया आपने? हाँ, शौक से किया। मुझे लगा कि आप वो बर्ड फीडिंग के लिए किसी को मतलब ऐसा कूपन लेके वगैरह बर्ड फीडिंग ऐसा है, क्योंकि अगर बाहर की तरफ देखेंगे ना तो ऐसा एक रिसोर्ट जैसा हो जाएगा कि भाई 50 रुपए का कूपन लो और बर्ड फीड करो। मजा आता है, गेस्ट को बच्चों को सबको मजा आता है, मजा आता है बहुत अच्छा। और मैंने गौशाला भी देखा, गिर गाय भी देखी, गिर की गाय थी ना वो, ऐसे यहाँ से हमारे कितने गौशाला है आप। हम लोग अभी जो गिर गाय और वहाँ पे जो कैंसर पेशेंट्स है उसको रखने के लिए अभी हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा। कैंसर पेशेंट के लिए उनको मतलब घूमने में एक दिन दो दिन के लिए रिलैक्स के लिए ही देंगे और वो भी फ्री में देंगे। अच्छा कॉस्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने देखा जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट
जो तलासरी में मुंबई गुजरात हाईवे के ऊपर है। जबरदस्त रेस्टोरेंट था, जबरदस्त एक्सपीरियंस था। नहीं लेकिन थैंक यू चिराग, बहुत ही अच्छी जगह तूने सजेस्ट की, डेफिनेटली ये भूलूंगा नहीं, तेरा उपकार में लाइफ टाइम याद रखूंगा जरूर। तो होप आप सब लोगों को ये वीडियो जलाराम काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का खाना सब अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना भूलना मत। और मिलेंगे कुछ नई चीज लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।